हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक भारतीय 2021 के बारे में। जी हां दोस्तों, आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो है क्लर्क एग्जीक्यूटिव के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। देखिए, इसका जो है लास्ट डेट भी आ चुका है, 18 अगस्त तक आपको फॉर्म को फिल करना है। 4 अगस्त से फॉर्म फिलअप ये स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लाइव मैं आपको एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको जो फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ इसका जो है नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है और लास्ट डेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी कितना रहेगा, ये सारी इंपॉर्टेंट जो है जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सैलरी आपको कितना मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव क्लर्क के वैकेंसी का फॉर्म फिल करने के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे dshelpingforever.com की वेबसाइट पे, और यहां पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहां पे एप्लीकेशन फी देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 1000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फी जमा करना है। एज की बात करें तो 20 से लेकर 25 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए, तो आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। और 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे जो है 920 रहने वाला है। और साथ ही साथ यहां पे बताया गया फ्रेंड्स कि इसका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, 5 सितंबर 2021 को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। अब आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको जो वैकेंसी डिटेल्स मिल जाती है और यहां पे आपको एलिजिबिलिटी बोला गया है। तो अगर आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है 55% मार्क्स के साथ यहां पे आवेदन कर सकते हैं। वही अगर कोई एससी एसटी विकलांग है तो उनको 5% की छूट मिलेगी। अब आपको यहां पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मिल जाता है। यहां पे आपको जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या करना है, आगे चल के मैं बताऊंगा। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन करके आपको जो अपलोड करना होगा। अब यहां पे आपको जो अप्लाई लिंक मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन पूरी 23 पेज का मिल जाएगा पीडीएफ नोटिफिकेशन, और यहां पर आप जो पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। कैसे फॉर्म को फिल करना है ये बताते हैं। तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो इंटरफेस खुलेगा, यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे येलो वाला बटन दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको देखिए जो है स्टेप्स दिखाई देंगे, कितने स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करने हैं। तो 6 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करने हैं। सबसे पहला यहां पे देखिए आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है। पहला आपको यहां पर फर्स्ट नेम, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे भरना है, इस तरह से आप क्या करेंगे एक एक जो है कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम नहीं है छोड़ दीजिएगा, लास्ट नेम है इस तरह से आप क्या करेंगे लास्ट नेम फिल कर देंगे। अगर मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी जरूर भरिएगा। यहां पे आपको इस तरह से अपना नाम लिख देना है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट, दो दो बार लिखना है सभी चीज को। यहां पे अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर देना, अच्छा दे सकते हैं नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहां पे अपना जो है अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, ईमेल आईडी सही से दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो है कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो आगे फ्यूचर में। तो यहां पे ईमेल आईडी लिखेंगे और यहां पे अपना जो है डोमेन चूज करेंगे, जीमेल है या लाइव है, रेडीफ है, याहू है, क्या है। उसके बाद से पूरा ईमेल आईडी यहां पे जो है सेम यहां पे दोबारा से कंफर्म कर देंगे ईमेल आईडी को। तो इस तरह से क्या करने अपना जो है लिखेंगे, उसके बाद से कैप्चा भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जिसे आप 7 नेक्स्ट करेंगे ये आगे प्रोसेस होगा, पूछ रहा है श्योर आपको ओके करना है, तो एक बार अच्छे से मिला के ही श्योर करिएगा। अब यहां पे देखिए आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है और आपका यहां पे पासवर्ड शो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे इसे जो है नोट जरूर कर लेंगे या प्रिंट जरूर कर लेंगे। अब यहां पर क्या करना है आपको, अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है और यहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ का देखिए यहां पर साइज वगैरह बताया गया है और जो है बोला गया है कि रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। यहां पर आपको चूज करना है, जैसे मान लीजिए मेरा फोटो, मैं इसे चूज करता हूं, ओपन करूंगा, यहां पे देखिए इस तरह से आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहां पे अपलोड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी आप फाइल चूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां पे सिग्नेचर चूज करते हैं, तो यहां पे जो है फाइल नेम, जैसे यहां पे सिंह लिखा हुआ है, तो सिंह में या कोई स्पेशल करेक्टर या स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अपलोड नहीं होता है आपको। देखिए मैं सिग्नेचर यहां पे चूज करता हूं, सिग्नेचर यहां पे आसानी से अपलोड हो गया, लेकिन सिंह बोल रहा है कि 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। तो मैं सिग्नेचर को साइज कर लेता हूं, यहां पर मैं ओपन करता हूं और मैं यहां पर जो है सिग्नेचर थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। यहां से मैं पेंट में ओपन किया हूं, रिसाइज कर लेता हूं, यहां पे मैं कर लेता हूं 220 और ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा छोटा। देखिए यहां पे छोटा हो गया है। अब शायद यहां पे जो सिग्नेचर अपलोड हो जाना चाहिए, मैं इसे चूज करता हूं, ओपन करूंगा, तो देखिए यहां पे जो है सिग्नेचर अपलोड हो गया है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अब यहां पे आपको नेक्स्ट करना है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहां पे सबसे पहले आपको जो है कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आपको चूज करना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल है, इस तरह से आएगा इंस्ट्रक्शन, आपको ओके कर लेना है। अगर ओबीसी है तो ओबीसी चूज करेंगे, एससी है तो एससी चूज करेंगे, तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चूज कर लेंगे। यहां पर पूछ रहा है कि अगर आप जो डिसेबल्ड पर्सन है, विकलांग है 40% एंड अबव, तो 40% से अबव विकलांग है तो यस करेंगे, इसकी जानकारी बताएंगे किस प्रकार की विकलांगता है, यस नो आपको बताना है, नहीं है तो यहां पे नो करेंगे। ये देखिए सारी चीज डिसेबल हो चुका है। अब यहां पे आपको बताना है कि क्या आप जो है चाइल्ड या फैमिली मेंबर जो है डाइड किए थे 1984 में, जो दंगे हुए थे, राइट्स, तो आपको यहां पे बताना है यस नो में।
आप जो है रिलीजन बताइए, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम क्या है, आपको मिनोरिटी कम्युनिटी अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं यहाँ लिख देंगे। नेशनलिटी आपको बताना है इंडियन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको चूज करना है कि आप जो अपना स्टेट या एनसीआर चूज करें जहां आप सेंटर लेना चाहते हैं इसका एग्जाम सेंटर, आप अपने हिसाब से चूज करते हैं, अपना राज्य का नाम चूज कर सकते हैं, सेंटर यहाँ पे एग्जामिनेशन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी अपना राज्य चूज करेंगे उसके अंदर जो भी सेंटर यहाँ पे अलॉट किए गए हैं वो यहाँ पे सेंटर का नाम आ जाएंगे, अपना सेंटर जो है नियरेस्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की च्वाइस करेंगे, डेट मंथ ईयर, यहाँ पे अपना जेंडर चूज करेंगे, पूछ रहा है क्या आप जो है जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस करें तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको जानकारी बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फादर्स नेम मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है, विलेज पोस्ट थाना डिस्ट्रिक्ट स्टेट कौन सा है ये चीज आपको बतानी है। उसके बाद एरिया का पिन कोड क्या है यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो है ऊपर का एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम सेम है तो सेम सेम टिक करेंगे, यहाँ पे सेम सेम कॉपी हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो अपना एड्रेस चूज करना है कोई भी यहाँ पे चूज कर लेंगे, या तो परमानेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस शो हो जाएगा कि आपका कितना रुपया एप्लीकेशन फीस जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि आप जो है ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किए हुए हैं, तो यहाँ पे अपना जो है कॉलेज का नाम बता देंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डिग्री बताना है कि आप बीए बीकॉम बीएससी क्या किए हुए हैं, यहाँ पे आपको जानकारी क्या करनी है फिल करनी है, जो भी आपने डिग्री कर रखा है इसमें से कोई मैच नहीं करता है तो अदर चूज करेंगे और उस डिग्री का नाम यहाँ पे क्या करेंगे बता देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर बताना है आपको, डेट मंथ, उसके बाद ईयर आपके मार्कशीट पे होगा, परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है कि आपका कितना परसेंट आया हुआ है, ग्रेड बताना है कि आप फर्स्ट डिवीजन है सेकंड डिवीजन है या पास्ट है, आपको यहाँ पे चूज कर लेना। तो देखिए बोला गया कि 55% यहाँ पे जो है आपको चाहिए, इससे कम रहेगा तो आप इलिजिबल नहीं रहेंगे आवेदन करने के लिए। वही अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको 5% का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है छूट मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको जो एकेडमिक ईयर बताना है कि पहला सेमेस्टर में आपको कितना मार्क्स मिला है, टोटल में कितना मिला है, उसके वजह से यहाँ पे आपको जो है दूसरे ईयर में कितना मिला है, उसके वजह से यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे जानकारी उसकी बताएंगे, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अदर कोई क्वालिफिकेशन है बताएंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो इसकी जानकारी यहाँ बताएंगे। एक चीज और यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव ए प्रोफेंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपने जो है क्या कर रखा है, क्या क्या जानते हैं आप, जो है प्रोफेंसी क्या क्या है आपके, जैसे मान लीजिए एक्सेल जानते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं, टैली जानते हैं, जो यहाँ पे जो है मैक्सिमम 35 वर्ड करेक्टर में यहाँ पे लिख सकते हैं या ADCA भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपके पास प्रोफेंसी है कंप्यूटर में। नहीं आता देखिए यहाँ पे क्या होता है, नो करने पे आप यहाँ पे जो है ब्लिंक हट जाएगा, तीसरे से आपको यस करेंगे सही रहेगा, क्योंकि बैंक का काम है तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है SC ST OBC से अगर आप आते हैं तो आप जो है डी सीरियस हैं प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज बतानी है कि आप जो है कितना लैंग्वेज जानते हैं, मान लीजिए हिंदी जानते हैं तो रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश इस तरह से लिख दीजिएगा, और कोई लैंग्वेज जानते हैं तो उसको लिख के यहाँ पे टिक कर देना इस तरह से। उसके बाद आप वैलिडेट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार अच्छे से मिला लेनी है कि जो भी आपने जानकारी फिल किया है सबसे सही कि नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो इसको कंफर्म करना है, इसको वैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको जो है दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है, और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे श्योर कराएगा, आपको ओके करना है, जैसे ओके करेंगे अगेन श्योर कराएगा, ओके करेंगे अब यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप चले जाएंगे अगले प्रोसेस पे, यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, तो क्या करेंगे आप एक सादे पेज पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको जो इतना मैटर लिखना है सादे पेज पे, इतना आप क्या करेंगे अपना मैटर को लिखेंगे और उसको स्कैन करके क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है अपलोड करनी है हैंड रिटन डिक्लेरेशन में। तो मैंने जो वेबसाइट पे दे रखा है नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। आई यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, आई अपना पूरा नाम लिखेंगे, हेयर बाई डिक्लेयर दैट द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जानकारी आपको क्या करना है, एक सादे पेज पे इतना मैटर आपको लिखना है और उसको जो है क्या करना है स्कैन करके यहाँ पे आपको जो अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आगे प्रोसेस हो जाएगा, आपको श्योर कराएगा आपको ओके करना है, अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
आपको दोबारा से यहाँ पे जो है कैप्चा को भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपना कैप्चा को फिल करेंगी और यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिखा देगा कि इतना आपको पे करना है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपसे फिर से सबमिट कराने का श्योर पूछेगा, आपको ओके करना है। जिसे ओके करेंगे यहाँ पे आगे प्रोसेस हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फी जमा करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन लाएगा। जिसे आप अपनी एप्लीकेशन फी जमा कर देंगे उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी रख लेनी है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, एटीएम से भी आप यहाँ पे वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। तो जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन मैंने दे दिया है, आप जो है नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, देखिए यहाँ पे ऊपर में ही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक साल के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। बाकी अगर इनको लगेगा कि ये आगे बढ़ा सकते हैं तो आपकी जो यहाँ पे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा, वीडियो पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।